हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज मैं आपको लेकर के आया हूं एमएस वर्ड की वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक एमएस वर्ड की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसको सीखने के बाद आप बन जाओगे जीरो से हीरो। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये आपके सामने मैं लिखकर बता रहा हूँ वीडियो सॉन्ग। तो क्या आपने एमएस वर्ड के थ्रू वीडियो सॉन्ग चलाया है? नहीं चलाया ना? तो देखिए, आज हम वीडियो सॉन्ग चलाएंगे, वो भी एमएस वर्ड के थ्रू। तो कैसे चलाएंगे, कैसे हम इसे करेंगे, आज मैं इसे सब चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो में बताऊँगा। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप करे देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लगाया बराबर। बराबर मतलब इक्वल टू लगाया और आर ए एन डी लगाया। क्या लगाया? इक्वल टू और आर ए एन डी। शिफ्ट दबा के 90 मैंने प्रेस किया या ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंड क्लोज किया, एंटर मारा। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो देखिए आपके सामने एक पैराग्राफ, दो तीन पैराग्राफ अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो दोबारा मैं बराबर आर ए एन डी प्रेस करता हूँ आपके सामने। तो देखिए, मैंने लेफ़्ट कॉलम लगाया, लेफ़्ट कॉलम पर जाने के बाद बराबर आर ए एन डी प्रेस किया, शिफ्ट दबाया और इसमें टू डाला और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा। तो देखिए आपके सामने दो ब्रैकेट आ गए हैं। ऐसे हमें दो ब्रैकेट लेने हैं या दो आपको पैराग्राफ लेने हैं तो आप ऐसे ले सकते हो, तीन पैराग्राफ लेने हैं तो आप यहाँ पर थ्री डाल सकते हो, ऐसे ही आपको फोर पैराग्राफ लेने हैं तो आप फोर डाल सकते हो। तो आपको जितने भी पैराग्राफ लेने हैं आप उस हिसाब से नंबर डाल देंगे तो आपके पैराग्राफ आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ जैसे मैंने डाला, इसमें मैंने कुछ चेंज किया, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं कुछ और लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ देखिए, इसकी जगह मैं जाता हूँ इंसर्ट में और डॉक्यूमेंट पे हाइपर लिंक लगाता हूँ। हाइपर लिंक लगाया मैंने, कोई इसके संग वर्ड की फाइल अटैच करी और ओके किया। देखिए अब ये वर्ड की फाइल मेरी इस डॉक्यूमेंट से अटैच हो गई। अब मैं यस करता हूँ, जैसे ही मैंने यस किया देखिए वो फाइल मेरी जो भी एप्लीकेशन थी डॉक्यूमेंट के संग अटैच होकर के आ गई। वाह, ये तो मैंने कभी नहीं करके देखा। अब एमएस वर्ड में ऐसा भी होता है, ये आप सोच रहे होंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एमएस वर्ड में और क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंट तो हम अटैच कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ हम वीडियो सॉन्ग भी अटैच कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, देखिए वीडियो सॉन्ग को लिखा मैंने और क्लिक किया और हाइपर लिंक में गया और जहां भी मेरा वीडियो सॉन्ग रखा है, जैसे मेरा डेस्कटॉप पे रखा है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और अपने वीडियो सॉन्ग को अटैच कर दिया। अटैच कैसे करेंगे, एक बार वीडियो सॉन्ग पे क्लिक करेंगे हम और वीडियो सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए आपके सामने क्या होगा, ये मैंने सॉन्ग अटैच किया, ये मैंने ओके किया और ओके करने के बाद मैंने कंट्रोल दबाया। कंट्रोल दबाते ही देखिए कर्सर आ जाएगा, हैंड बना हुआ आ जाएगा वीडियो सॉन्ग के ऊपर, कर्सर आ जाएगा। अगर आपका कर्सर आ गया तो समझो आपका वीडियो सॉन्ग अटैच हो गया है। अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और एक बार क्लिक करूँगा, देखिए कर्सर आ रहा है, हैंड बना हुआ आ रहा है, क्लिक करो और यस करो। जैसे ही मैंने यस किया देखिए, यस करते ही आपका सॉन्ग चालू हो गया है। सॉन्ग तो चालू नहीं हुआ लेकिन सॉन्ग तो चालू हो जाना चाहिए। एक बार मैं दोबारा क्लिक करके देखता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे। नहीं मान्या, चलो जल्दी जल्दी, देर हो रही है बेटा, जल्दी चलो। नहीं पापा, अभी तो चलूंगी मैं, थोड़ी देर बाद चलूंगी पापा, थोड़ा सा और बारिश का मजा लेने दो। नाइस। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप सभी की वीडियो मैं अपने चैनल में मैंने डाली हुई है, आप एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए ज्ञान बट रहा है, आपको जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरी वीडियो को देखते रहें। देखिए एक बार आती है क्या, समझ रहे हो ना? प्रेस करना और वैसे ही आपका वर्ड से वो लिंक हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको इमेज भी कोई लिंक करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ में इमेज लिखना है
और सिलेक्ट करना है, और हाइपरलिंक में जा कर के अपनी जो भी इमेज है उसको एक बार उससे अटैच कर देना है और कंट्रोल क्लिक करना है, प्ले करना है। सॉन्ग प्ले करोगे तो सॉन्ग हो जाएगा, इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इमेज खुल के आ जाएगी। देखिए अभी मैं आपको करके बताता हूँ, एक बार इमेज भी करके दिखाता हूँ। हाइपरलिंक में गया और मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट करी, देखिए जो भी मेरी इमेज पड़ी है जहाँ भी पड़ी है बस आपको उसको क्लिक करना है, और एक ही क्लिक करते ही ओके करना है, ओके करते ही कंट्रोल और क्लिक दबाना है, और वैसे ही आपकी वो इमेज खुल के आ जाएगी। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, बिना करके दिखाए मैं कोई बात नहीं कहता, आप करके देखो, अगर आपसे हो जाती है तभी आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हम वीडियो तो बहुत देख लेते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती है, अगर हो नहीं पाए तो कोई वीडियो का फ़ायदा नहीं। जब वो काम हो जाए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम बनाते हैं वीडियो। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए। देखिए आपके सामने मैंने क्लिक किया और मेरी वीडियो अटैच हो गई, अटैच हो गई, वीडियो सॉन्ग चली गया और इमेज भी खुल के आ गई। वाह, नोटपैड में फॉर्मेट मेन्यू की पूरी जानकारी, तो मैंने नोटपैड की भी जानकारी डाल रखी है, ये वीडियो भी मैंने आपकी डाल रखी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के अलग अलग देख सकते हैं सारी वीडियो, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक